मैं डॉक्टर ब्रिजेश मीडियम के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले जो हमारे कॉलेज में घटना हुई उसके रिगार्डिंग मैंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर दी है और अब मैटर कोर्ट में है और बहुत जल्दी सच्चाई आप सभी के सामने आ जाएगी। इसके साथ साथ दूसरा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से मुझे जो और एक खबर सामने आई है यह बिल्कुल ही निराधार है और मेरी मीडिया के लोगों से यह आग्रह है रहेगा कि जब तक इन सभी बातों की सच्चाई सामने नहीं आती है तब तक ऐसे तथ्यहीन बातें ना की जाए। जिस टूर की बात की जा रही है उसमें लेडी टीचर के साथ साथ फीमेल कोऑर्डिनेटर और एक अन्य अध्यापक के साथ साथ छात्राओं का एक ग्रुप भी गया था। मैं सभी बातों का खंडन करता हूं और मेरे विरुद्ध जो ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है ये आप सभी लोगों के सामने बहुत जल्दी सामने आ जाएगा और इस में कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन होती है मैं इसको सभी तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने ज्वाइन किया है। मैं डॉक्टर ब्रिजेश मीडियम के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले जो हमारे कॉलेज में घटना हुई उसके रिगार्डिंग मैंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर दी है और अब मैटर कोर्ट में है और बहुत जल्दी सच्चाई आप सभी के सामने आ जाएगी। इसके साथ साथ दूसरा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से मुझे जो और एक खबर सामने आई है यह बिल्कुल ही निराधार है और मेरी मीडिया के लोगों से यह आग्रह है रहेगा कि जब तक इन सभी बातों की सच्चाई सामने नहीं आती है तब तक ऐसे तथ्यहीन बातें ना की जाए। जिस टूर की बात की जा रही है उसमें लेडी टीचर के साथ साथ फीमेल कोऑर्डिनेटर और एक अन्य अध्यापक के साथ साथ छात्राओं का एक ग्रुप भी गया था। मैं सभी बातों का खंडन करता हूं और मेरे विरुद्ध जो ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है ये आप सभी लोगों के सामने बहुत जल्दी सामने आ जाएगा और इस में कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन होती है मैं इसको सभी तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने ज्वाइन किया है।